नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। नवरात्रि में चुड़ैल का घर आना सच्ची घटना, यह चौथे भाग में अब हम इनके पत्र को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। नमस्कार गुरुजी, अब जैसा कि आप जानते हैं कि गोली अंग्रेजों ने चला दी थी, लेकिन वह गोली जाकर सीधा उस लड़की को लगी। इससे मेरे परदादा बहुत ज्यादा घबरा गए। अंग्रेजों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया था, इसलिए वह और भी ज्यादा परेशान हो गए। चारों तरफ गोलियों की धुआंधार आवाज आ रही थी। ऐसे में उनके सामने अब कोई विकल्प नहीं बचा, या तो वह पकड़े जाते या फिर उन्हें मार दिया जाता। तब घायल अवस्था में वह लड़की बोली, यहां से मुझे उठाकर तुरंत ले चलो, मैं आपको एक ऐसे स्थान पर लेकर जाऊंगी जहां एक साधु रहता है। वह बड़ा तेजस्वी है और उसके पास बहुत सारी सिद्धियां भी हैं। इसके अलावा वह आयुर्वेद का बड़ा अच्छा जानकार भी है, वह मुझे बचा सकता है, इसलिए आप जल्दी चलें। तो वह कहने लगी, पहले मुझे सहारा दीजिए और यहां से उत्तर दिशा की ओर तेजी से जंगलों में दौड़ते हुए चलिए। और इस प्रकार मेरे परदादा ने उसे अपनी गोदी में उठाया और तेजी से दौड़ने लगे। उनके अगल बगल से गोलियां गुजर रही थी, लेकिन उन्हें एक भी गोली नहीं लगी। यह उनका भाग्य ही था, इसलिए वह तेजी से अब जंगल में उस घने और बियावान जगह में पूरी तरह गुम हो चुके। अब अंग्रेजों को उन्हें पकड़ने में बहुत मशक्कत होने वाली थी, इसलिए वह तेजी से इन झाड़ियों का फायदा उठाते हुए उस ओर जाने लगे जिस ओर वह लड़की उन्हें लेकर जा रही थी। तब उसने कहा, जल्दी से इस नदी को पार करो, क्योंकि नदी के पार ही उस साधु के रहने का स्थान है। तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं बहुत जल्दी अब आपकी बात को पूरा कर दूंगा, लेकिन सामने नदी तो गहरी है, मैं कैसे इसे पार करूं? तब वह कहने लगी, इसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बाईं तरफ देखिए, वहां एक खाली नाव पड़ी है और साथ में चंपू भी रखा हुआ है, इसलिए आप अब मुझे उस पर बिठा दीजिए और इस नाव को चलाकर नदी पार कर लीजिए। मेरे परदादा ने देखा तो बात बिल्कुल सत्य थी, क्योंकि वहां पर सच में एक नाव थी और बस उस नाव में बैठने की देर थी। वह उन्हें बैठा कर आगे बढ़ गए। नदी भले ही बहुत ज्यादा गहरी थी, लेकिन नाव के लिए उसे पार करना बहुत छोटी सी बात थी, इसलिए वह धीरे धीरे नदी में उस नाव को ले जाकर पार करने लगे। थोड़ी ही देर में नदी का दूसरा तट आ गया और बड़ी ही सावधानी के साथ उन्होंने उस घायल लड़की को उठाकर नदी के दूसरी पार ले जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चलते हुए वह एक कुटिया के सामने पहुंच गए और वहां पर एक साधु, जो कि साधु कम एक शमशान में रहने वाले तांत्रिक के जैसे ज्यादा लग रहा था। यह देखकर वह कहने लगे, तुमने तो कहा था यहाँ पर हमें एक साधु मिलेगा, पर यह तो कोई अघोरी साधु लगता है, क्योंकि मैंने जैसा सुना है यह लोग बहुत ज्यादा खतरनाक और तामसिक शक्तियों के स्वामी होते हैं, इसलिए
अब मुझे तो यहाँ पर डर लग रहा है। तब उसने कहा, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब मैं आपके साथ, दूसरी बात, मैं इन्हें पहले से जानता, इसलिए मेरी जिम्मेदारी है, आपको डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। उस लड़की को अचरज भरी निगाहों से देखते हुए मेरे वह परदादा कहने लगे, ठीक है, जैसा तुम सही समझो। और फिर वह उस साधु के पास पहुंच गए। साधु ने बड़े गौर से एक टक उस आदमी को देखा जो कि मेरे परदादा थे, और कहा, लड़की के प्रेम ने दीवाना बना दिया, वरना मैं भी कुछ काम का था। कहते हुए वह हंसने लगा। तब मेरे परदादा ने उनसे कहा, मैं सच में इनसे प्रेम करता हूँ, लेकिन यह मेरी पत्नी भी है, और भला अपनी पत्नी से कौन प्रेम नहीं करता है, मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तब वह साधु हंसकर कहने लगा, अगर मैं वही मांग लूँ तो, और इसके बाद फिर से वह हंसने लगा। तब मेरे परदादा ने कहा, इनकी जान बचाने के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार। तब साधु ने कहा, अच्छा तो फिर इसे अंदर मेरी कुटिया में ले चल, मैं इसे अभी ठीक कर दूंगा। और फिर वह उसे लेकर कुटिया के अंदर चले गए। साधु भी कुछ ही देर में अंदर आ गया और घाव को देखकर कहने लगा, यह ठीक हो जाएगी, लेकिन मेरी विधियाँ बिल्कुल अलग तरह की होती हैं। क्या तुम मेरी इस विधि के लिए तैयार हो? मेरे परदादा ने कहा, आप यकीन रखिए, आप जो कुछ भी मांगेंगे, अगर मेरे वश में हुआ तो मैं सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं वह अवश्य ही कर दूंगा। यह सुनकर साधु कहने लगा, वाह क्या बात है, सच में एक संस्कारी पति अपनी पत्नी के लिए कुछ भी कर सकता है। यह सुनकर मेरी वह परदादी जो उनकी पत्नी बन चुकी थी मुस्कुराने लगी। तब उस लड़की ने कहा, मैं इन्हें अपना पति मानती हूँ, मैंने इनके साथ शादी की है, इनकी हर समस्या अब मेरी है, आप मेरा इलाज कीजिए ताकि इनकी चिंता दूर हो सके। उस तांत्रिक अघोरी ने कहा, ठीक है, शर्त के हिसाब से इन्हें अपने शरीर का कम से कम 1 लीटर खून देना होगा, मैं उसी खून से तुम्हारा इलाज करूंगा। यह सुनकर मेरे परदादा तो आश्चर्य में ही पूरा पड़ गए। उन्होंने कहा, यह कौन सी विधि है जिसमें खून दिया जाता है? तब वह लड़की भी कहने लगी, अरे विश्वास रखिए, मैं इनके चमत्कार देख चुकी हूँ, इनकी तांत्रिक साधनाएं ऐसी ही होती हैं। अब ये जैसा कहें वैसा करते जाइएगा, आपको परेशानी नहीं। तब मेरे वह परदादा उस तांत्रिक अघोरी के साथ बाहर आ गए। तांत्रिक अघोरी अपने आगे एक नरमुंड को रखता है और कहता है, मैं मंत्र पढ़ते जाऊंगा और तुम्हें अपने शरीर में छेद करना है, वहां से खून टपकेगा और उसे तुम्हें इस खोपड़ी पर गिराते जाना है। यह सुनकर और भी ज्यादा आश्चर्य मेरे परदादा को हो रहा था, लेकिन वह करते भी क्या, उनके सामने कोई और दूसरा विकल्प भी तो नहीं था, इसलिए बात मानने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। तो साधु ने कहा, तर्जनी उंगली को काट और खून टपका। तब उन्होंने वहां रखे एक चाकू से हल्का सा कट अपनी उंगली पर मारा, और इधर साधु मंत्र पढ़ रहा था, उनके उंगली से गिरता खून उस खोपड़ी के ऊपर गिरने लगा, और जैसे वह गिर रहा था वैसे एक बात तो मेरे परदादा को विचित्र लगी, उन्हें काटने का कोई दर्द नहीं हुआ और खून भी बड़े आराम से गिर रहा है, यह कैसा तंत्र है? फिर तांत्रिक साधु ने कहा, दूसरी उंगली काट, उससे भी खून इस खोपड़ी पर गिरा, और इस प्रकार वह जैसा कहते रहे वैसा मेरे परदादा करते रहे। फिर उसने कहा, अपनी छाती को बीच में से काट और वहां से भी खून गिरा, खून गिराना आवश्यक है, तू सोच रहा होगा
यह मैं तुझे क्या करवा रहा हूँ, पर तू खुद देख, जिस जगह भी तेरे शरीर में कट लगा है वहाँ से खून तो गिर रहा है, लेकिन तुझे दर्द जरा सा भी नहीं हो रहा। इसके अलावा यह भी बड़ी बात है कि अब तुझे जो प्राप्त होगा उसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और इस प्रकार उनके कहे अनुसार मेरे परदादा करते रहे। मंत्र जाप पूर्ण होते ही वहाँ पर बड़ा भयंकर काला कोहरा चारों तरफ छाने लगा, हवाएं इधर की उधर चलने लगी और वह तांत्रिक हंस हंस कर कहने लगा, कमाल हो गया, एक सच्चे प्रेमी ने सब कुछ प्राप्त कर लिया। और इस प्रकार वह सामने अपनी पत्नी को खड़ा देखते हैं, जिसके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ थी। वह मुस्कुराते हुए कहती है, आज आपने अपनी इस पत्नी को मायावी शक्ति बना दिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका मैं पीछा कभी नहीं छोड़ूंगी, आप मेरे प्रियतम हो, आपको इतना भोग और सुख प्रदान करूंगी जितना आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। और वह स्त्री इतनी ज्यादा सुंदर हो गई थी कि मेरे परदादा सिर्फ उसे देख ही रहे थे, कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे, उनके मन की कल्पनाएं सातवें आसमान को छू रही थी। इसके बाद क्या हुआ गुरुजी, अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा। आपको लगा होगा यह सब कोरी कल्पना है, पर यह वास्तव में घटित हुआ था। यह सभी आगे की कहानी में सारे साधक लोग समझ पाएंगे। गुरुजी आपका विशेष रूप से धन्यवाद। देखिए यहाँ पर इन्होंने अभी तक की कहानी को बताया है, अगले भाग में इसके आगे की कहानी के विषय में जानेंगे। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।